एक और बड़ी खबर अटैक को लेकर, ईरान पर हुए मिडनाइट अटैक में यह बहुत बड़ी खबर है। हमले के पीछे हो सकता है नेटो का हाथ, ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एक बड़े ब्रिटिश पत्रकार का सनसनीखेज दावा, इस्फहान में ड्रोन प्रोडक्शन पर हमले के बाद नेटो के हाथ होने का शक और गहरा गया है। ईरान लगातार रूस को सप्लाई कर रहा है कामकाजी और शाहिद ड्रोन, और अब पत्रकार का दावा कि इसमें नेटो का हाथ है। बिल्कुल, देखिए इन हमलों को लेकर करुणा दावे तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन अभी पड़ताल जारी है कि आखिर किसके दावे में है दम। कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं, उन थ्योरीज पर एक नजर डाल लेते हैं। अटैक की तीन थ्योरीज हमारे सामने हैं। पहली बड़ी थ्योरी जो है वो इसराइल के हाथ के को लेकर कही जा रही है, ये कि कल इसराइल में हमले के बाद से भारी तनाव है। आशंका क्यों है ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बीच फिलिस्तीन पर पुरानी दुश्मनी है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इजरायली थ्योरी जो दी जा रही है उसके पीछे के तर्क देखिए, आशंका क्या है। दूसरी थ्योरी है अमेरिकी अटैक की, कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। ईरानी एटमी प्रोग्राम रोकना चाहता है अमेरिका, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या इसके लिए वो इस हद तक जाएगा कि ईरान में अटैक कर दिया जाए। काफी समय से बेहद खराब रिश्ते साफ नजर आ रहे हैं, अमेरिका और ईरान की अदावत बढ़ती नजर आ रही है, क्या इसके पीछे ये रीजन है। तीसरी थ्योरी पर नजर डालते हैं, अजरबैजानी अटैक, यानी ये हमले अजरबैजान की तरफ से कराए गए। शुक्रवार को ईरान में अजरबैजानी दूतावास पर हमला होता है, अटैक होता है, और हमले के बाद दोनों के बीच भारी तनाव नजर आ रहा है। आइए हम ये भी समझते हैं कि कहीं ईरान में जो अटैक हुआ है उसका यूक्रेन युद्ध से कनेक्शन तो नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये जरा समझिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका और यूक्रेन हम सब जानते हैं किस तरह साथ है। जंग में इसराइल भी यूक्रेन के साथ है। यूक्रेन जंग में ईरान रूस का मददगार साबित हो रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी ईरान की बहुत काम कर रही है रूस के लिए। ईरान ने रूस को कामिकेजी ड्रोन भी सप्लाई किए हैं। इसके अलावा शाहिद 136 ड्रोन उत्पादन में ईरान को रूसी सहयोग भी मिल रहा है। रूस के सहयोग से यहां पर जो प्रोडक्शन है ड्रोन्स का वो किया जा रहा है। रूसी फौज को ड्रोन की ट्रेनिंग भी ईरान की तरफ से दी गई है और दी जा रही भी है। ईरान ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए बाकायदा अपने ट्रेनर भेजे हैं, यानी रूस के साथ बहुत मजबूती से खड़ा हुआ ईरान नजर आ रहा है। ये बात अमेरिका को, वेस्ट कंट्रीज को चुभ रही है। रूस को ड्रोन देने का अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्क कर रहे हैं विरोध, और ये भी एक बड़ा रीजन है अदावत बढ़ने का। इजराइल का नेटो पर ईरान के खिलाफ दबाव भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो ये तमाम वो संभावनाएं हैं जिनकी पड़ताल बहुत ज्यादा जरूरी है। एसपी सिंह साहब, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही अजरबैजान के दूतावास को निशाना बनाया जाता है और वहां के सिक्योरिटी चीफ को मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन हमलों के पीछे अजरबैजान का हाथ हो सकता है। दोनों घटनाओं को जोड़कर कैसे देखेंगे आप? देखिए, जो ये आपने कवर किया है तीनों कारण बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी, और जनरल सिन्हा ने अभी कवर किया है कि मोस्ट लाइकली इसराइल एक ज़्यादा कारण हो सकता है। देखिए, अमेरिका जो है इस बात से बड़ा नाराज है इसराइल ईरान से, और बड़ा नाखुश है कि वो ड्रोन सप्लाई कर रहा है यूक्रेन वॉर में, और इसके लिए अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि इस तरह से ईरान से उनकी दुश्मनी बड़े टाइम से चली आ रही है। ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना एक बहुत बड़ा खतरा है इसराइल के लिए भी, अमेरिका के बाद पूरे वर्ल्ड के लिए भी। अब इसके कारण जो है ये अटैक हो सकते हैं इसराइल के द्वारा किए गए हों। इसराइल का जैसे प्रिसिशन की बात की गई है, आप देखिए आज से सन 80 के दशक में इसराइल ने ऑसिनैक न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय किया था इराक के जी। और ये उनकी प्रिसिशन उस समय मानी गई थी, उन्होंने कैसे प्रिसाइज अटैक किया था जब टेक्नोलॉजी डेवलप थी। आज वही सिचुएशन फिर से आ गया ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। तो ये एक कारण बड़ा हो सकता है कि ईरान इसराइल इसके पीछे हो, और अगर इसराइल है, ईरान इसराइल का अपना एक बेस है, अपना एक बड़ा इतिहास आ रहा है, एंडलेस वॉर, इसे मैं जरूर वर्ड देना चाहूंगी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।